Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review. आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को. सबसे पहले बारे में हम बात करेंगे सुपर कंडक्टर LK99 जिसकी खोज के बारे में डिस्क्लोजर किया गया है बाय दी साउथ कोरिया. नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी इंडियाज माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट. साथ ही हम बात करेंगे मालाबार मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के बारे में जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी कंबोडिया, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और साथ ही कंबोडियन किंग जिन्होंने अपॉइंट किया है ह्यून सिन संस को एज ए, जिनका नाम है ह्यून मेंतेन एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया. एंड लास्टली वील बी कवरिंग अबाउट दी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज. देखिए 31st एडिशन मालाबार मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएसए. ठीक है, चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में. पार्टिसिपेट कौन कौन करता है आपको पता होना चाहिए. जब हम 31st मालाबार मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक नवल एक्सरसाइज के बारे में जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 से. ठीक है, इस एक्सरसाइज को बेसिकली स्टार्ट किया था नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स और धीरे धीरे इसके चार मेंबर यहाँ पर बढ़ गए आप देखेंगे, विच इज़ इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. और 2002 के बाद से ये जो एक्सरसाइज है ये हर साल कंडक्ट की जाती है. अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और जापान की तो ये पहली बार शामिल हुए थे 2007 में हमारे साथ, और 2014 के बाद अगर हम देखें तो इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. मालाबार के अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपनी खुद की एक और नेवल एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ऑसिंडेक्स. देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये किन किन के बीच में होती हैं, नेवी के बीच में होती हैं, आर्मी के बीच में होती हैं या एयरफोर्स के बीच में होती हैं, ये आप याद रखेंगे. सो ऑसिंडेक्स एक और एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाती है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो मालाबार इज़ बेसिकली अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसमें इन्वॉल्व होती हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी जैसा हमने देखा था, और इसी के अलावा ऑसिंडेक्स में आपको शामिल मिलेंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज. इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो मैरिटाइम कोऑपरेशन है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, इन सभी को स्ट्रॉन्ग करना और आपस में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना. ये एक्सरसाइज जो है इसे बेसिकली इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में कंडक्ट किया जाता है जो कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या जिसे हम क्वाड बोलते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जहाँ पे कंबोडियन किंग ने अपॉइंट कर दिया है ह्यून थिसान को एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर. देखिए कंबोडिया के किंग ने यहाँ पर अपॉइंट किया है ह्यून सिन के सन को एज अ कंट्रीज न्यू लीडर, और इसी के साथ आप देखेंगे जो एक लगातार सदियों से चली आ रही सत्ता है उसका ट्रांसफ़र आपको देखने मिलेगा. किंग नोरोडोम शिमोनीज इन्होंने यहाँ पर एक रॉयल डिक्री निकाली है जिसके हिसाब से ह्यून मेंतेन कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर हमें देखने के लिए मिलेंगे. चलिए बात करते हैं कंबोडिया के बारे में. ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाता है किंगडम ऑफ कंबोडिया. कैपिटल की बात करें तो फ्नोम फेन आपको इसका कैपिटल देखने मिलेगा. लगभग 16 मिलियन की पॉपुलेशन यहाँ पर है. खेमर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने मिल जाती है. वहीं अगर हम गवर्नमेंट के टाइप की बात करें सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मुनाक की बात करें तो आज की डेट में आपको नोरोडोम शिनमोई देखेंगे जो आप 38 साल के टेन्योर के बाद फाइनली यहाँ से स्टेप डाउन करने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर का नाम है ह्यून सिन और इन्हीं के बेटे जो हम बात कर रहे थे ह्यून सिन के जो सन है ह्यून मेंतेन को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नया नाम सजेस्ट किया गया है. आगे अगर हम बात करें इनकी GDP की तो लगभग $27 बिलियन की ये GDP दिखाई देती है. दिस इज़ द मैप ऑफ द सिटी. नाउ आपको एक और चीज़ समझनी होगी, अगर हम इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो कंबोडिया पूरी तरीके से ट्रॉपिक्स में दिखाई देता है विच मीन्स आपको ये 10 डिग्री नदन से लेके 15 डिग्री नदन लेटीट्यूड के बीच में, और लॉन्जिट्यूड की बात करें तो 102 डिग्री से लेके 108
8 डिग्री ईस्ट में आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। अगर हम इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करें तो आप देखेंगे थाईलैंड नॉर्थ में इसके साथ बॉर्डर बनाता है, थाईलैंड टू द नॉर्थ एंड वेस्ट, लाओस इसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, वियतनाम इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो कंट्री है ये पूरी तरीके से सिचुएटेड होती है इनसाइड द ट्रॉपिकल इंडो मालियन रिलाम एंड द इंडो चाइना टाइम जोन विच इज़ द ICT। इनकी कोस्ट लाइन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कोस्ट लाइन इनकी गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ 443 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यहाँ पर शेयर करती है। कंट्री की अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो ये लो लाइंग प्लेन्स के पास बने हुए हैं, मेकोंग रिवर और तॉन्सलेन सेप रिवर ने यहाँ पर ये लो लाइंग प्लेन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। साथ ही ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बन जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया की। साथ ही आप याद रखेंगे 1997 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर सक्सेसफुली नॉमिनेट कर दिया गया था। क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड समझे उसके हिसाब से कंट्री सिचुएटेड है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जोन के अंदर। इकोनॉमी की बात करें तो मेजरली जो इनकी इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चर, जहाँ पर राइस और स्टेपल क्रॉप के ऊपर मैक्सिमम डिपेंड करती है। यहाँ की जो गारमेंट इंडस्ट्री है इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी फेमस, जो कि इकोनॉमी को बढ़ाने में और प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, एक्सट्रीमली वेरी फेमस, विच इज़ द अंकोर वाट टेम्पल। ठीक है, ये अंकोर वाट टेम्पल की अगर हम बात करें सो इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट ये है, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक रीजन क्रिएट करता है यहाँ के टूरिज्म का। बेसिकली अगर हम बात करें अंकोर वाट की तो ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरी दुनिया का। ठीक है, और ये कंबोडियन आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ हिंदू टेम्पल, जिसे लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया गया था बाय द खेमेर एम्पायर। इट वॉज बेसिकली ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म टू द बुद्धिस्ट टेम्पल टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th century। सो आप याद रखेंगे जो रूलर हैं खेमेर डायनेस्टी के, इनका नाम था सूर्यवर्मन टू, जिन्होंने अंकोर वाट में ये सुंदर सा मंदिर बनाया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट बिल 2023। देखिए यहाँ पर इस बिल को मिल गया है पार्लियामेंट का अप्रूवल। अब ये बिल करने क्या वाला था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो पावर हैं, ठीक है, कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इट बेसिकली व्हाट इट इज़ डूइंग, इट गिव्स स्वीपिंग पावर सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को एंड ब्यूरोक्रेट्स, रिप्लेसिंग द ऑर्डिनेंस ऑन कंट्रोल ऑफ द सर्विसेज ऑफ दिल्ली। अगर हम इस बिल की हाईलाइट के बारे में बात करें तो इसने नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA को बनाने के बारे में बात करी थी, जहां पर चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली इसके मेंबर दिखाई देंगे। ये जो अथॉरिटी है ये यहाँ पर सजेस्ट करेगी जो एक्शंस है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिलेटेड विद द ऑफिशियल्स, ट्रांसफर पोस्टिंग एंड डिसिप्लिनरी मैटर, उसको देखना और उसको सजेस्ट करने का काम पूरा NCCSA के द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ लेफ्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनके पास पावर आ जाएंगे, ताकि ये किसी भी तरीके के डिस्क्रिशन के ऊपर या रिकमेंडेशन जो NCCAS द्वारा किया जा रहा है उनके ऊपर एक फुल फ्लेजेड डिसीजन ले सकेंगे। साथ ही यहाँ पर LG यहाँ पर कंट्रोल कर सकेंगे किसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको समन करना, प्रोपोगेट करना या डिसॉल्यूशन करने के भी पावर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल जाएंगे। सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक मल्टीपल टाइम्स, हमें ये जानना होगा कि आखिर ये पावर देने से इशू क्या है। देखिए इस तरह की पावर जो दी जा रही है ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को इम्पैक्ट करेंगी, जब ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र किए जाते हैं या उन्हें पोस्ट किए जाते हैं, इसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है उनकी सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है, या मिनिस्टर्स की, लेजिस्लेचर की या सिटीजन्स की, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा जो चेन है, ये जो पूरा सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी चेन, ये कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये यहाँ पर होल सोल डिस्क्रीशन दे सकते हैं एनी गिवन मैटर, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाना, उसको डिसॉल्व करना,
इन सारी पावर के बारे में बात की गई है। साथ ही ये लिमिट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर की एबिलिटी को, जिसमें वो एसेंशियल गवर्नमेंट बिजनेस सेशंस को कंडक्ट करते हैं। इसी के अलावा जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज होंगे, ये अब सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं विदाउट दी कंसर्न मिनिस्टर, उस मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर हैं उनके बारे में चिंता किए बिना, उनके असेंट के बिना। यहाँ पर ये एक जो समन है डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं LG को, चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की उसको लेकर एक बहुत बड़ा खतरा हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल के थोड़े से और बैकग्राउंड के बारे में। देखिए दिल्ली और पांडिचेरी दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं और दोनों के पास लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो ये लेजिस्लेट कर सकता है ऑन स्टेट एंड ऑल्सो द कॉन्करेंट रेस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड द लैंड। नाउ वॉट इज़ हैपनिंग, पार्लियामेंट यहाँ पर लेजिस्लेट कर सकती है सारे स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स को जो भी दिल्ली से संबंधित हमें देखने के लिए मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करते हैं दिल्ली में, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के साथ यहाँ पर काम करते हुए नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को एक ऑर्डर यहाँ पर दिया था जिसके अंदर दिल्ली की जो गवर्नमेंट है इनको जो सर्विसेज हैं दिल्ली की एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, वो सारी सर्विसेज इनके कंट्रोल में देने की बात की गई थी कि ये सारे के सारे चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर रहेंगी लेकिन केवल पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट रहेगा। 2023 के जजमेंट के बाद ही 2023 के जजमेंट ने रीअफर्म कर दिया 2018 की रूलिंग को, जो कि स्टेट करता है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसी डिसीजन के तहत आपने देखा GNCDT अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 पास किया गया था 19 मई 2023 को, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1 अगस्त 2023 को और रिपील कर दिया गया ऑर्डिनेंस को जो कि अप्लाई हो चुका है रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 19th मई 2023। इस बिल की और डिटेल में चर्चा करें तो ये बात कर रहा है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सर्टेन सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पर डील करेंगे और इसके लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को बनाया जाएगा। जितनी भी मैटर है रिलेटेड विद द ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विजिलेंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ ग्रुप ए ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सेप्ट इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें डील की जाएंगी बाय द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के मेंबर में आपको चीफ मिनिस्टर ऐसे चेयरमैन देखने मिल जाएंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो दिल्ली गवर्नमेंट के रहेंगे वो इसके मेंबर सेक्रेटरी के रूप में देखने मिल जाएंगे और साथ ही चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली इसके मेंबर के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी के अलावा यहाँ पर बात की जा रही है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी विच इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नर। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में और हम डिस्कस करेंगे एक नई हाइप जो साउथ कोरिया में क्रिएट हुई है बाय LK99। हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टर के बारे में। यहाँ पर आज के पेपर में तीन न्यूज़ हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट यू विल फाइंड दिस न्यूज़ ऑन पेज नंबर 6, अनदर द क्वेस्ट फॉर द रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऑन द पेज नंबर 7 एंड लास्टली ऑन द साइंस पेज आपको देखने मिलेगा व्हाट इज सुपर कंप्यूटर। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज एवरी सिंगल न्यूज़ इज लिंक्ड विद ईच अदर। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, साउथ कोरिया ने एक डिस्कवरी यहाँ पर की और इन्होंने बोला है कि ये एक ऐसा सुपर कंडक्टर ढूंढ चुके हैं जो रूम टेम्परेचर पर एक्टिव हो सकता है। देखिए रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर को एक्टिवेट करना इज़ एक्सट्रीमली वेरी डिफ़िकल्ट और अगर जिसको ये नाम दे रहे हैं इस मटेरियल को LK99, अगर ये सच हुआ तो ये इस पूरी डिकेड की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगा। कारण क्यों? क्योंकि देखिए अब साइंटिस्ट बहुत समय से एक ऐसे मटेरियल की तलाश कर रहे हैं जिसकी अपनी एक ट्रांसपोर्टिंग एबिलिटी हो हैवी करंट्स को ले जाने की और उसमें कोई भी लॉस ना हो पाए, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, मेडिकल एप्लीकेशन है, जितना भी सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, इसको रिवोल्यूशनाइज कर देगा LK99। अब देखिए
सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर सुपर कंडक्टर है क्या? देखिए, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि रिमार्केबल प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, जिसे बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी। बेसिकली अगर हम आसान भाषा में बोले तो सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी एबिलिटी है मटेरियल की जो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मतलब ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विच मीन्स इट ऑब्जर्व्ड इन मैनी मटेरियल व्हेन दे आर कूल बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हम अलग अलग केबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा चांदी, लेकिन वो महंगी होती है तो उसका इस्तेमाल करना संभव नहीं है, इसीलिए कॉपर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से ये हाईली एफिशिएंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब देखिए, किसी भी मटेरियल को अगर सुपर कंडक्टर बनना है तो उसे चार पैरामीटर को फॉलो करना होगा: इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंटिविटी, सुपर कंडक्टर, नॉर्मल मेटल, टेम्परेचर जैसी कुछ चीज़ें जिनको आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। दीज आर द फोर कंडीशन: इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, नेक्स्ट इज द थर्मोडाइनमिक्स इफेक्ट एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट। देखिए, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि सुपर कंडक्टर्स हैव नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब व्हेन अ करंट स्टार्ट फॉलोइंग थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इट कंटिन्यूज आइडेंटिफाइली विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजर इफेक्ट की, तो सुपर कंडक्टर दे ऑल्सो एग्जिबिट मैजिनर इफेक्ट, विच मीन्स दे एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम देयर इंटीरियर। और जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आती है सुपर कंडक्टर से, तो ये एक तरीके के करंट को क्रिएट करती है विद इन द मटेरियल, जो कि अपने आप में एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इसकी वजह से जो ओरिजिनल फील्ड है उसका एक्सपल्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, सो मैनेजर इफेक्ट सम वर्क लाइक दिस, आप चाहें तो आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आगे बढ़े अगर हम, नेक्स्ट इसकी खासियत होती है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सारे सुपर कंडक्टर मटेरियल की एक सबसे अच्छी खासियत है कि दे हैज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच इज एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, एंड अबव दिस टेम्परेचर द मटेरियल बिहेव्स वेरी नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट इज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एवरी सुपर कंप्यूटर हैव अ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अबव विच देयर कंडक्टिविटी इज टोटली डिस्ट्रॉय। सो नाउ व्हेन इट कम्स कि भाई किसी भी उसको अगर आपको सुपर कंडक्टिव बनाना है तो उसके लिए एक सर्टेन टाइप का टेम्परेचर चाहिए। अब देखिए, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जो ट्रेडिशनल सुपर कंडक्टर होते हैं इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी आप वो देखेंगे वो केवल और केवल लो टेम्परेचर्स पर देखी जाती है, जो कि लगभग विच इज़ बेसिकली क्लोज टू जीरो, अराउंड -273.15 डिग्री से लेकर, या आप -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर सकते हैं। अब इस लिमिटेशन से प्रॉब्लम क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है वाइड स्प्रेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। एज कूलिंग मैटर मटेरियल्स टू सच लो टेम्परेचर कैन बी एक्सपेंसिव एंड वेरी चैलेंजिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इम्पॉसिबल एंड समटाइम्स एक्सट्रीमली वेरी एक्सपेंसिव टू वर्क ऑन अ रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। वहीं अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्ट की, तो जैसा नाम से सजेस्ट में आता है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, और इसी की वजह से इनको डे टू डे कंडीशन में या बहुत आराम से कम एक्सपेंस के साथ रूम टेम्परेचर पर ही एक्टिवेट किया जा सकता है। सो ये जो रिस्कवरी है रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की, ये ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी एक्सपेंसिव क्रायोजेनेटिक कूलिंग सिस्टम है उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इनफैक्ट ये सुपर कंडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल बना देगा डे टू डे लाइफ के लिए।
अब देखिए सुपर कंडक्टर्स का यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे एनर्जी ट्रांसमिशन में। देखिए ये रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हमारे पावर ट्रांजिशन सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा, कम एनर्जी का यहाँ पर लॉस होगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस में कम समय पर पहुँच पाएगी। दूसरा अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स इनेबल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हाई एंड हाईली एफिशिएंट और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जो कि एनर्जी कंजम्पशंस को रिड्यूस कर देगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम मैग्नेटिक लेविटेशंस की बात करें तो सुपर कंडक्टर का यूज़ किया जा सकता है मैग्नेटिक लेविटेशन में, जहाँ पर ट्रेन्स और अदर ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है इनको फ्रिक्शन से बचाया जा सकता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेन ऐसा लग रही है जैसे हवा में चल रही है, राइट? सो वो ही मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम कहा जाता है। अलॉन्ग विद दैट मेडिकल इमेजिनिंग में भी इनका यूज़ किया जा सकता है, सिंस सुपर कंप्यूटिंग मैग्नेट्स आर यूज इन मेडिकल इमेजिनिंग लाइक MRI मशीन्स। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स इनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर बढ़ा देंगे और साथ में जो कॉस्ट यहाँ पर लग रही है उसको भी रिड्यूस कर देंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहाँ बात की जा रही है इंडिया की माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट के बारे में। देखिए 2 अगस्त को पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 यहाँ पर पास कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके, एक्सप्लोर किया जा सके क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स को कंट्री के अंदर। इस बिल की अगर हम बात करें तो 6 मिनरल्स, जिसके अंदर लिथियम भी शामिल किया जा रहा है, इसके यूज़ के बारे में बात की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में और दूसरे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के अंदर। इन टू दिस लिस्ट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स द एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ दी 6 मिनरल्स प्रोवाइडिंग क्लासिफिकेशन एज एटॉमिक मिनरल्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू दी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज ओनली। नाउ द क्वेश्चन कम कि इंडिया के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स इम्पॉर्टेंट कितने हैं। देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है जब हमें डीप सीटेड मिनरल्स जैसे लीथियम, कोबाल्ट, निकल, निबियम, बेरिलियम, टेंटेलम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक जैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। और लैक ऑफ एबिलिटी और कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि बहुत सारी इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी हैं जो उसको अलाउ नहीं करती कि इनका एक्सट्रैक्शन किया जा सके, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो इम्पोर्ट्स पर बन गई है। इसी के अलावा अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें जैसे लीथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की, क्योंकि इंडिया ने सेट किया हुआ है अपना नेट जीरो एमिशन गोल और इसे फुलफिल करने के लिए हमें लीथियम जैसी क्लीन एनर्जी मिनरल्स की यहाँ पर आवश्यकता होगी। अब लिथियम और कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिमांड है एज पर दी एस्टिमेशन 2050 तक ये डबल और ट्रिपल होने वाली है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो चाइना मेजॉरिटी ऑफ कोबाल्ट के जो रिजर्व हैं उनको यहाँ पर इसने होल्ड किया हुआ है। लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, इसी की वजह से जो सप्लाई चेन है वो भी वेरिएबल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो आपको चाइना के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से होगा क्या? अगर हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को मिनरल एक्सप्लोरेशन में लेकर आते हैं तो ये बहुत सारे नए नए मिनरल्स और पोटेंशियल रिजर्व की जो इकोनॉमिकली वायबल डिपॉजिट्स हैं उनको ढूंढने में मददगार होगा। साथ ही आज की डेट तक अगर हम बात करें तो ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल के हिसाब से इंडिया केवल और केवल अपने पास मौजूद रिजर्व का केवल 10% तक ही इसको एक्सप्लोर कर पाया है, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे प्राइवेट प्लेयर्स का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड देखने के लिए मिलता है। इस पॉलिसी के बाद, इस मिनरल बिल के बाद आप देखेंगे प्राइवेट एक्सप्लोरर यहाँ पर बिड कर सकते हैं अपने डिज़ायर परसेंटेज ऑफ शेयर एंड ऑक्शन, और इसी के बाद आप देखेंगे कि माइनिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को डिस्कवर करने में, डिस्क्लोज करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता कर सकते हैं। अब इस बिल के कुछ इश्यूज भी हैं जिनको लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला है रेवेन्यू जनरेशन फॉर प्राइवेट एक्सप्लोरर। अब देखिए ये डिपेंड करेगा ऑन अ शेयर ऑफ व्हाट प्रीमियम,
बट सक्सेसफुल ऑक्शन में टेक ईयर। प्राइवेट एक्सप्लोरर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ से कम हो पाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ गड़बड़ी होने के भी चांसेस देखने के मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो ऑक्शन मेथड है एक्सप्लोरेशन को लेकर, जिसमें लाइसेंसिंग की आप बात करें, वो बहुत ज़्यादा फीजिएबल नहीं है। इट्स अ टाइम टेकिंग, ऑल्सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो प्राइवेट एक्सप्लोरर आज की डेट में अगर आप बात करें, सो दे आर अनेबल टू सेल देयर डिस्कवरीज टू मिनरल्स, अनलाइक ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन विद मोर फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज़ को ईजी बनाना होगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ें संभव देखने के लिए मिलेंगी। अब यहीं पर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल को समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आपको ये देखने मिलेगा, अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 26 जुलाई 2023 को। ये बिल एम करता है कि माइन और मिनरल्स डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट जो 1957 का है, इसको अमेंड किया जा सके और इसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर माइनिंग के क्षेत्र में लेकर आया जा सके। वहीं इसने डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया है माइनिंग एक्टिविटी को। ये बोलता है कि माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी को रिकन्सिनेंस या प्रॉस्पेक्टिंग या माइनिंग, इन सभी को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। रिकॉनिसेंस की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरली सर्वे की बात की जा रही है, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है मिनरल रिसोर्सेज को, एरियल सर्वे, जियोफिजिक्स को, जियोसेपाइटल टेक्निक्स का, जियोकेमिकल सर्वेस का एंड जियोलॉजिकल मैपिंग्स का। ये बिल अलाउ करता है सब सरफेस एक्टिविटीज़ लाइक पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग एंड सब सरफेस एक्सकवेशन टू बी द पार्ट ऑफ रिकॉनेंस विथ प्रॉबेबली प्रीवियसली प्रोहिबिटेड। इसी के अलावा ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस बिल ने इंट्रोड्यूस किया एक नए टाइप के कंसेशन को, कॉल द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑथराइज करेगा आइदर रिकॉनिसेंस को या फिर प्रोस्पेक्टिंग और बोथ एक्टिविटीज़ फॉर स्पेसिफाइड मिनरल। यहीं पर स्पेसिफिक मिनरल्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है इसको इशू किया जाएगा 29 मिनरल्स को स्पेसिफाइड इन दी 7th शेड्यूल, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लेड, पोटाश एंड रॉक फास्फेट देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही ये कवर करेगा 6 मिनरल्स को जिनको पहले क्लासिफाई किया गया था अंडर दी ऑटोमिक मिनरल्स लाइक बेरिल एंड बेरिलियम, लीथियम एंड निबोयम, टाइटेनियम, टेंटेलियम एंड दी जिरकोनियम। And these minerals are classified as the atomic minerals. So ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको इस बिल के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। चलिए मूव करते हैं आज के मेन्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वॉट आर सुपर कंडक्टर्स, वॉट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर्स एंड हाउ डज इट अफेक्ट देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ द GNCDT अमेंडमेंट बिल 2023 एड्रेस्ड और एक्सक्रिबेटेड द इशू इन द पावर स्ट्रगल बिटवीन द ल्यूटिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। आप चाहें तो अपने आंसर हमारी वेबसाइट rouseacademy.in पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। वी विल एनालाइज, वी विल रीड एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू कि आपको आंसर्स में क्या कमी है या क्या सुधार की आवश्यकता है। आंसर्स को सबमिट करने के लिए आपको लिंक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगी। फॉर आर इंदौर ब्रांच हमने एक नया ऑफर यहाँ पर रिलीज़ किया है, विच इज़ द 50% ऑफ। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप हमारी इंदौर ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। इट इज़ एन इनॉग्रल ऑफर फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट और सारे कोर्सेज में आपको यहाँ पर 50% ऑफ देखने के लिए मिलेगा। बट दिस एंटायर स्कीम इज़ वैलिड ओनली टिल 22nd August एंड ओनली फॉर इंदौर ब्रांच। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, विजिट राउज अकेडमी एट 10 विष्णुपुरी इंदौर। सो this is it for today. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.